मथुरा से दो और बाबरगांव जिला यवतमाल से एक, ऐसे तीन नाबालिग लड़कों का अपहरण करके उन्हें पुणे ले जाने वाले अपहरणकर्ताओं को पुणे से गिरफ्तार करके तीन नाबालिग लड़कियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सानी गुनी शाखा पतक ने छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी 20 वर्षीय रोहित गोपाल संगीली, शुभम संजय मानिकर 22 वर्षीय, प्रमोद मोतीबाबा सोनवनी 22 वर्षीय, प्रशिक विलास भोयर 23 वर्षीय, सभी रहने वाले रायगांव जिला यवतमाल की है। वरोरा की दो नाबालिग लड़कियां उनकी सहेली की सालगिरह मनाने के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन देर रात तक लड़कियां घर न आने से घर वालों ने उनकी आसपास रिश्तेदार के पास पूछताछ की, लेकिन कुछ पता न चलने के बाद पुलिस थाने में लड़की का अपहरण की शिकायत दी। शहर से नाबालिग लड़कियां लापता होने की खबर सोशल मीडिया में जोरों से वायरल होने से पुलिस पर दबाव बढ़ गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने सानी गुनी शाखा पथक के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े को इस मामले की जांच करने की सूचना दी। खाड़े ने तुरंत तीन अलग अलग पथक तैयार करके उनको लड़कियों का पता लगवाने रवाना किया। जांच करते वक्त पता चला कि रायगांव के कुछ लड़के इन लड़कियों के संपर्क में थे। उन्हें ढूंढने पुलिस रायगांव रवाना हुई। वहां जाकर पता चला कि बाबरगांव की एक लड़की का अपहरण किया गया है। यह लोग 29 को वर्धा रेलवे जंक्शन पर दिखाई दिए थे। बाद में जांच में पाया गया कि पुणे के राजन गांव में पीड़ित लड़कियां आरोपी के साथ होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने बड़ी चालाकी से आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर उनको गिरफ्तार करके नाबालिग लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सावे, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी इनके मार्गदर्शन में सानी गुनी शाखा के पुलिस निरीक्षक बाया साहेब खाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबड़े, पुलिस उप निरीक्षक संदीप कापड़े, सचिन गदादे, अतुल कावे, धनराज करकाड़े, स्वामीदास सालेकर, गजानन नाकरी, प्रशांत नागोसे, संदीप पुए, दिनेश अराड़े इन्होंने की है। दिनांक 27 तारखेला वरोराच्या हद्दीमधून दोन अल्पवयीन मुली ह्या घरातून निघून गेल्यासंबंधीची तक्रारीवरून 28 तारखेला यामध्ये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते वरोरा पोलीस स्टेशनवर। सदर्श घटनेचं गांभीर्य पाहता आम्ही एसीबीचे पोलीस निरीक्षक श्री बाळासाहेब खाडे यांना निर्देश दिले की त्यांनी याच्या संबंधीची टीम तयार करून याचा तात्काळ उलगडा करावा। यानंतर एसीबीचे API बोबडे आणि PSI कापडे त्यांच्यासोबतची टीम यांनी याच्यामध्ये सखोल तपास केला आणि तपासामध्ये यामध्ये बाबुळगावची पण एक अल्पवयीन मुलगी यामध्ये गेल्यासंबंधीची माहिती मिळाली आणि जी मुलं आहेत ही पुण्याला गेली असल्यासंबंधीची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही पुण्याचे पोलीस अधीक्षक श्री अभिनव देशमुख साहेब यांच्याशी संपर्क केला आणि त्यांनी पण आम्हाला हा गुन्हा उघडकीस आणण्यात मदत केला। आपल्या टीमने तिथे जाऊन ह्या तिन्ही मुलींना आणि ते चारही त्यांच्यासोबत असलेले मुलं यांना घेऊन आलेले आहे पुढील तपास सुरू। BCN न्यूज के लिए चंद्रपूर से संवाददाता की रिपोर्ट।